अगर आप IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, 4 जुलाई से आपको IPO से बम्पर कमाई करने का मौका मिलने वाला है। भारतीय शेयर बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट होने के कारण कंपनियां लगातार अपने IPO ला रही है। IPO मार्केट में भी इस समय जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर शेयर बाजार में एक ज्वेलरी कंपनी अपना IPO ला रही है। चलिए क्या है पूरी खबर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सेनको गोल्ड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO 4 जुलाई से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। ये कोलकाता बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है। अब इस IPO में 6 जुलाई तक आप पैसा लगा सकते हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो ये IPO 6 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स को 3 जुलाई से शेयरों का अलॉटमेंट करने वाली है। अब सेनको गोल्ड IPO का प्राइस बैंड लॉट साइज कितना है ये जान लेते हैं। सेनको गोल्ड IPO का प्राइस बैंड 301 से लेकर 317 रुपए प्रति शेयर है। कंपनी ने इस IPO के लिए 47 शेयरों का लॉट साइज तय किया है। रिटेल इन्वेस्टर अधिकतम 13 लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस IPO पर दाव लगाने वाले इन्वेस्टर्स को कम से कम 14,899 रुपए की जरूरत होगी। इस IPO के तहत 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है, वहीं 15% शेयर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल, वहीं 35% शेयर रिटेल निवेशक के लिए रिजर्व किया गया है। इस इशू के जरिए 270 करोड़ रुपए के वैल्यू के नए शेयर्स जारी किए जाएंगे। वहीं मौजूदा शेयर होल्डर 135 करोड़ रुपए के वैल्यू के शेयरों की पेशकश करेंगे। बता दें, कंपनी नए शेयर जारी करने से होने वाली आमदनी यानी पैसों का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरत को पूरा करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी। इसके अलावा कंपनी IPO से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल उत्तर भारत में कंपनी के बिजनेस का विस्तार करने और डायमंड ज्वेलरी बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी करने वाली है। अब इस IPO के लिए कौन कौन से दिन अहम होने वाले हैं ये जान लेते हैं। सेनको गोल्ड का IPO 4 से 6 जुलाई के बीच सब्सक्राइब किया जा सकता है। सेनको गोल्ड IPO के शेयर का अलॉटमेंट 11 जुलाई को हो सकता है। वहीं डीमैट अकाउंट में 13 जुलाई तक शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सेनको गोल्ड की लिस्टिंग 14 जुलाई को BSE और NSE पर होने की संभावना है। जाते जाते इस IPO से जुड़े रिस्क फैक्टर से भी रूबरू हो जाइए। सेनको गोल्ड पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्च अभियान चलाया था। इसके तहत कंपनी और उसके इंडिविजुअल प्रमोटर्स के खिलाफ टैक्सेशन और आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई थी। कंपनी को कारण बताओ नोटिस के साथ साथ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस कोलकाता द्वारा तलाशी भी ली गई थी। सेनको गोल्ड और इनके डायरेक्टर और प्रमोटर कुछ कानूनी और नियामक कार्रवाई का सामना भी कर रहे हैं। ये कार्रवाई कई अदालतों में भी लंबित है। इस IPO से जुड़े तमाम बातों से हमने आपको रूबरू करवा दिया है। अगर आपको भी इस IPO में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज़ तक।